फिलहाल मैंने ना ये मौसम का फायदा उठाते हुए पूरा गार्डन में मैंने सरसों लगा दिया है। सरसों जो बोलता है ना मस्टर्ड। मॉर्निंग, हर हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए बेंगलोर का वेदर बहुत ज़्यादा हवा चल रहा है और बहुत ठंडा है। हवा की वजह से और भी ठंडा लगता है, ठंडा हवा चल रहा है। वेदर देखिए तो आज बहुत टाइम के बाद एक हार्वेस्ट लेके आया हूँ, हार्वेस्टिंग का वीडियो। और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और क्या बोलूँ है ना। और वीडियो पूरा देखना है ना। तो सबसे पहले देखिए करेला से ही शुरुआत करते। यहाँ देखिए ये ठंडा की वजह से ना ये भी साइज में अभी वो होने लगा है। तो यहाँ देखिए करेला है। करेला मैं बहुत बार हार्वेस्ट कर चुका हूँ और बार बार क्या दिखाना आप लोग को ना करेला का, इसलिए मैं देखिए करेला। यहाँ देखिए ये सभी बढ़ रहा है अभी तो, और ज़्यादा बढ़ने दिया तो भी ना क्या होता है, सीड्स आ जाता है ना, तो खाने में टेस्ट नहीं होता है। इसलिए हम थोड़ा छोटा में ही इसको, जब सीड्स अंदर से बड़ा ना हो तभी तो इसको हार्वेस्ट कर लेना चाहिए, नहीं तो क्या होता है सीड्स पूरा खराब हो जाता है, टेंडर नहीं रहता। मुझे, मैं अंदर का सीड भी नहीं फेंकता हूँ। यहाँ पे बाटी लेके आया हूँ देखिए, और ये टमेटो देखिए, टमेटो का दाम बहुत बढ़ गया है। तो अब मैं मेरा देखिए गार्डन का टमेटो पूरा पका नहीं है, फिर भी कुछ तो है ना, इमरजेंसी के लिए तो हो ही जाएगा। आ क्यों नहीं रहा है, दिख रहा है देखिए। ये पुदीना मैं ऑलरेडी दो बार हार्वेस्ट कर दिया, अभी फिर नया ग्रोथ देखिए। यहाँ ऊपर में भी है, हाथ नहीं जा रहा है। और मैं ना आप लोग को एक चीज दिखाता हूँ, देखो दिख रहा है आलू, आलू आ रहा है। तो इसको ढक देते हैं थोड़ा। तो फिलहाल मैंने ना ये मौसम का फायदा उठाते हुए पूरा गार्डन में मैंने सरसों लगा दिया है। ये सरसों लगाने से ना क्या होता है, अगर मिट्टी में कोई डिजीज वो भी गया ना, वो भी ठीक करता है। पूरा गार्डन में लगा। तो यहाँ देखिए बहुत सारा हो रखा है, और खाने में भी टेस्टी होता है, आप किसी भी तरह बना के खाओ। देखिए मैं इसको कट कर देता हूँ। क्या बाबा, नीचे से कट कर देता हूँ क्योंकि ना दूसरा आ जाता है यहाँ से। फिर अभी तो पूरा बरसात है। हाँ बाबा क्या हुआ, वाओ मेरा हर वीडियो में मेरा कुछ मेरा बेटी होता है। देखो आप इधर में आ भी रहा है, अभी फ्रूटिंग भी हो गए हैं, जो बल्ब बनता है ना। इधर ही रखते रहो। तो देखिए मैंने तारो लीफ पे इतना सारा हार्वेस्ट कर लिया, और मैंने देखा है कोई लोग है ना इसका सिर्फ जो पत्ता है वही यूज़ करते हैं, ये जो डाटा है स्टेम उसको यूज़ नहीं करता है। लेकिन ये स्टेम भी बहुत टेस्टी सब्जी बनता है और इडेबल है, इडेबल तो है ही है। तो देखिए, तो ये देखिए आज का मेरा हार्वेस्टिंग जबरदस्त है ना, फ्रेश और ऑर्गेनिक। और हवा तो कैसा चल रहा है, मैं ऊपर भी नहीं रख सक रहा हूँ देखिए।